बिहार के 5 जिलों में दलित वोटर एक बड़े फैक्टर के रूप में काम करते हैं। रामविलास पासवान के निधन से एक सहानुभूति की लहर है, जिसका फायदा रामविलास पासवान की पार्टी LJP को हो सकता है। दरअसल रामविलास पासवान के साथ एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि दलितों के साथ साथ उन्हें अगड़ी जाति के लोग भी पसंद करते थे। उन्होंने कभी भी अगड़ी जाति के खिलाफ कोई विवादित बयान नहीं दिया था। इस चुनाव में चिराग पासवान ने दलितों के साथ साथ अगड़ी जाति के लोगों को भी लुभाने की कोशिश की है। 42 में से 18 सीटों पर चिराग ने अगड़ी जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बिहार के समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, वैशाली और नालंदा में महादलित वोटों की अच्छी खासी आबादी है। बिहार में अभी की तारीख में महादलित और दलित वोटरों की आबादी कुल 16% के करीब है। दलित बहुल्य सीटों पर रामविलास पासवान का असर भी दिखता है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में महादलित वोटरों की संख्या 3.5 लाख के करीब है। यहां से रामविलास पासवान के भतीजे प्रिंस राज सांसद हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इन सीटों पर महादलित वोट काफी मायने रखते हैं। ऐसे में सहानुभूति लहर में JDU को यहां नुकसान संभव है। हाजीपुर, रामविलास पासवान खुद हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे हैं। 2019 में उनके भाई पशुपति कुमार पारस यहां से चुनाव लड़े। हाजीपुर में भी करीब 3.5 लाख से ज्यादा दलित वोटरों की संख्या है। इस संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा सीट आता है, जिसमें हाजीपुर, महुआ, राजा पाकर, जंदाहा, महनार, पातेपुर और जाघोपुर विधानसभा क्षेत्र आता है। यहाँ भी LJP ने JDU के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। ऐसे में यहाँ भी JDU को नुकसान संभव है। खगड़िया लोकसभा सीट पर भी LJP का कब्जा है। रामविलास पासवान खगड़िया के अलौली सीट से ही राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। पहली बार वो इस सीट से ही विधायक बने थे। खगड़िया में दलित वोटर करीब 4 लाख के करीब हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें सिमरी, बख्तियारपुर, हसनपुर, अलौली, खगड़िया, बिलदौर और परबत्ता है। अलौली सुरक्षित सीट है, इस पर JDU ने उम्मीदवार दिया है। ऐसे में पासवान की पार्टी ने भी इस सीट से उम्मीदवार को उतारने का फैसला किया है। पासवान की सहानुभूति लहर में यहां सीधा नुकसान JDU को हो सकता है। जमुई लोकसभा क्षेत्र भी सुरक्षित सीट है। यहां से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान सांसद हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आता है। दलित वोटों के साथ साथ चिराग पासवान ने यहां अति पिछड़ी जातियों के वोट में सेंधमारी की कोशिश की है। साथ में सहानुभूति फैक्टर अलग काम करेगा, इसका सीधा नुकसान JDU को हो सकता है। नालंदा, नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में भी महादलित वोटरों की अच्छी खासी आबादी है। नालंदा लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। चिराग ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। ऐसे में सहानुभूति लहर यहां भी खेल बिगाड़ सकता है। जाहिर है चिराग इस चुनाव में सहानुभूति कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरे सियासी दल अभी रामविलास पासवान पर खुलकर वार नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार भी सीधे वार करने से बचते रहेंगे। ऐसे में इसका फायदा चिराग को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।